Hello students, today we are going to start part 3 of the chapter Socialism and the Russian Revolution. In this video, we'll study about the revolution in February and in October 1917. जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि 1905-1917, basically we can divide Russian Revolution in two parts. Initially 1905 रिवॉल्यूशन जो थी स्पेशली इट वाज लेड बाय द वर्कर्स, और इसका इंपैक्ट क्या था कि इसके बाद किंग ने, यानी कि जो जार निकोलस सेकंड था, उसने ड्यूमा बना दी थी. ड्यूमा, दिस इज द कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, वी कैन से दैट द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ड्यूमा. 1917 में रिवॉल्यूशन जो है वो दो रिवॉल्यूशन हुई थी, एक फरवरी एंड वन इज इन अक्टूबर, अक्टूबर 1917 एंड फरवरी. फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट जो था वो क्या था, एब्डिकेशन ऑफ किंग, एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क, यानी कि जो जार निकोलस सेकंड था उसने एब्डिकेट कर दिया फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बाद में. अक्टूबर रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, सोशलिस्ट केम इनटू पावर्स इन प्लेस ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट. तो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं पार्ट थ्री में पॉइंट थ्री को, द फरवरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड. कौन सा रिवॉल्यूशन है, फरवरी 1917 रिवॉल्यूशन, और इसके बाद क्या हुआ था, एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क हुआ था, जार निकोलस सेकंड ने अपना सिंहासन छोड़ दिया था मार्च 1917 में. किस तरह से छोड़ा था, किन कंडीशंस में, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट February Revolution in Petrograd. Petrograd जो है, that is located on the river of the bank of river Neva. River Neva. रशिया में है River Neva. Petrograd city से होके निकलती है. Clear? तो Petrograd city के right और left bank, यानी कि इसके right किनारे पे और left किनारे पे अलग अलग positions है और opposite positions है. Right? कैसे? जैसे on the right bank. राइट बैंक एंड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर नेवा. इस शहर में राइट बैंक में क्या है, फैक्ट्रीज और वर्कर्स क्वार्टर्स. इट मींस ये अच्छा एरिया नहीं है. राइट साइड में रिवर नेवा के राइट बैंक पे ये कोई बहुत डेवलप्ड एरिया नहीं है कि यहां पे फैक्ट्रीज है. ठीक है, तो फैक्ट्रीज क्या है, उस तरफ जो है गंदगी, काफी गंदगी, और जो है पुअर पीपल और स्पेशली वर्किंग क्लास पीपल रहते हैं जहां पे वर्कर्स के क्वार्टर भी हैं. देख, राइट, इसके बाद में जो लेफ्ट बैंक है दैट इज फैशनेबल एरिया और साथ साथ में यहां पे विंटर पैलेस और वो बिल्डिंग भी है जहां पे ड्यूमा कंसल्टेटिव बॉडी ड्यूमा की मीटिंग होती थी. क्लियर, तो इस तरह से लेफ्ट बैंक पे जो है ये एक अच्छा और डेवलप्ड एरिया था. अब हुआ क्या, फरवरी में वहां पे काफी ज्यादा सर्दी होती है पेट्रोग्राड में और पूरे रशिया में जो है काफी सर्दी होती है. तो सर्दी के टाइम पे इस एरिया में राइट साइड में क्या हुआ, इंपैक्ट पड़ा. यहाँ पे फूड शॉर्टेज आ गई ड्यू टू बिटर कोल्ड. द इम्पैक्ट वॉज देयर कि यहाँ पे फूड शॉर्टेज, क्योंकि देखो गरीब लोग रहते थे, तो बिटर कोल्ड की वजह से जो सप्लाई है वो अफेक्टेड हुई, जिसकी वजह से उन्होंने फूड शॉर्टेज का सामना किया और ज्यादा गरीबी फैल गई. साथ साथ में जो इम्पैक्ट था वो किसका था, फ्रस्ट, यानी कि बहुत तेज फोग और स्नो फॉलिंग भी, इसका भी इम्पैक्ट पड़ा. तो इस एरिया में लोग जो थे वो नाराज हो गए. राइट, वर्कर्स were very disappointed and they enraged due to the conditions and they demanded for the moderate conditions from the government. जबकि हम left bank की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे किसी तरह की कोई problem नहीं थी. अब क्या हुआ, ये condition जो है 22nd Feb को, what happened on 22nd Feb? 22nd Feb 1917, यहाँ पे workers ने strike कर दी. Right? The workers started strike on the right bank of this river.
और इसके बाद में 23 फेब को ऑन द राइट बैंक, ऑन 23 फेब इसके सिंपैथी में, स्ट्राइक की सिंपैथी में 50 अदर फैक्ट्रीज में, इन अदर 50 फैक्ट्रीज वर्कर्स स्टार्टेड द स्ट्राइक एंड दीज स्ट्राइक्स वर लेड बाय वुमेन। अब इस दिन तो महिलाएं भी सड़कों पे निकल गई राइट, और उन्होंने राइट बैंक से और लेफ्ट बैंक की तरफ जाके और इन सड़कों पे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, या ये कह सकते हैं कि स्ट्राइक की, समझ आ रहा है। तो इसके बाद में 23 फेब को विमेन जो है उन्होंने इस जो प्रोसेशन था या डेमोन्स्ट्रेशन था इसको लीड किया, इसलिए इस दिन को 23 फेब को हम इंटरनेशनल वुमेन उस टाइम बोला गया, इंटरनेशनल वुमेन डे, इंटरनेशनल वुमेन डे, ये 23 फेब को इस दिन को इंटरनेशनल वुमेन डे के फॉर्म में जाना जाने लगा। अब आप कहेंगे जी इंटरनेशनल वुमेन डे तो 8 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं, 8 मार्च को, यू आर एब्सोल्युटली राइट, 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेन सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये 23 फेब भी इज इक्वल टू 8 मार्च, क्यों? क्योंकि उस समय रशिया में जूलियन कैलेंडर जो है फॉलो किया जाता था, तो जूलियन कैलेंडर जो है वो आज का जो हमारा कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर उससे 13 दिन पीछे था, 13 डेज डिफरेंस बिटवीन द जूलियन कैलेंडर एंड ग्रेगोरियन कैलेंडर इज 13 डेज। तो उस समय जो रशिया में जो कैलेंडर था वो जूलियन कैलेंडर था, और आज जो हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे है, इसलिए 23 फेब जो है इंटरनेशनल वुमेन डे ये 8 मार्च को माना जाता है, ठीक है। इसी तरह से 24th और 25th फेब को जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पे निकल गए, और काफी बड़े प्रोपोर्शन में यहाँ पे स्ट्राइक होती है। इसके बाद में 26th फेब को गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, ड्यूमा वो सस्पेंडेड ऑन 26th फेब 1917। उसके बाद में तो जो गवर्नमेंट के जिसको हम ये कहते हैं कि पुलिस थी या फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस के अगेंस्ट सप्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट की, लेकिन बाद में जो सोल्जर्स थे और जो अदर सोशलिस्ट थे उन्होंने एक डेलीगेट ग्रुप था जिसने जाके किंग को, जार निकोलस सेकंड को एडवाइस किया कि आपको अब सीट छोड़ देनी चाहिए, आपको किंग की जो गद्दी है उसको छोड़ देना चाहिए, एबडिकेट कर देना चाहिए, एंड जार निकोलस सेकंड मींस एक्सेप्टेड देयर एडवाइस एंड ऑन 2 मार्च 1917 को उसने सिंहासन छोड़ दिया। इसका मतलब जार एबडिकेटेड ऑन 2 मार्च 1917। तो इस तरह से ये थी फरवरी रिवॉल्यूशन, आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल है। इसमें पेट्रोग्रैड में ये रिवॉल्यूशन हुई और पेट्रोग्रैड से इसका पूरा जो इंपैक्ट है वो पूरे रशिया में पड़ा था। तो इस तरह से पूरे रशिया के इंपैक्ट क्या पड़ा, मींस इन एंटायर रशिया, ये इंपैक्ट ये था कि जार निकोलस सेकंड ने अपनी गद्दी छोड़ दी और रशिया में क्या आ गया, प्रोविजनल गवर्नमेंट आ गई। इन रशिया देयर वाज प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन रशिया। तो इस तरह से प्रोविजनल गवर्नमेंट आ गई जिसके अंदर काफी ग्रुप्स के पीपल थे। तो ये यहां पे इसका इंपैक्ट था फरवरी रिवॉल्यूशन, सो इट इज नोन एज फरवरी रिवॉल्यूशन, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज आफ्टर फरवरी। अभी तक हमने देखा कि फरवरी रिवॉल्यूशन के दौरान कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, कि एक तो जो किंगशिप थी रशिया में, जो मोनार्किज्म था वो खत्म हो गया, और दूसरा इंपैक्ट है पेट्रोग्रैड सोवियत जो है वो एस्टैब्लिश हो गया, प्रोविजनल गवर्नमेंट वहां पे बन गई। ये तो सोवियत्स का काउंसिल था, सोवियत काउंसिल, और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई जो रशिया को चलाने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई। प्रोविजनल गवर्नमेंट में कौन थे, प्रोविजनल गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, ये लोग थे प्रोविजनल गवर्नमेंट में। लेकिन जो पेट्रोग्रैड सोवियत में जो लोग थे, जैसे मान लो सोशलिस्ट एंड लिबरल्स, सोशलिस्ट एंड मोस्ट ऑफ द लिबरल्स, दे वांटेड टू एस्टैब्लिश द इलेक्टेड गवर्नमेंट, क्योंकि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो इलेक्टेड नहीं थी, वो तो सिर्फ जब एबडिकेशन हो गया किंग जार निकोलस सेकंड का, तो उस टाइम
जिस गवर्नमेंट ने पावर जो है वो अपने हैंड्स में ली, तो वो प्रोविजनल गवर्नमेंट होगी, मतलब जब तक कि परमानेंट गवर्नमेंट ना बने। तो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, इसमें ये लोग काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, जिसमें आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और ये सब आ गए। अब लेकिन जो पेट्रोगेट सोवियत था और इसके साथ साथ में सोशलिस्ट और लिबरल्स जो आइडियोलॉजी के लोग थे, वो चाहते थे कि रशिया में एक चुनी हुई सरकार आनी चाहिए। कैसी सरकार? इलेक्टेड गवर्नमेंट आनी चाहिए, राइट। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, डिमांड्स रेज करने स्टार्ट कर दी। इसी के साथ में अप्रैल थीसिस एक अगला जो है टॉपिक आता है इसी की इसी सीरीज के अंदर, लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन जो था वो कौन था? ही वॉज द लीडर ऑफ बोल्शेविक्स। जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो टू ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी, मेंशेविक्स एंड बोल्शेविक्स। तो बोल्शेविक्स का नेता था जिसको एक्साइल कर दिया गया था, लेकिन 1917 में वो वापिस आया, 1917 में, अप्रैल 1917 में वापिस आया, और उसने यहाँ पे आके अप्रैल में 3 डिक्लेरेशन कर दिए, राइट। ही डिक्लेयर्ड 3 मेन मींस एस्पेक्ट्स। पहला था वॉर टू बी एंडेड, कि युद्ध जो है, क्योंकि उस टाइम कौन सा युद्ध चला था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वॉर टू बी एंडेड। लैंड टू बी ट्रांसफर्ड, टू बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स, और जो जमीन है वो किसको दी जानी चाहिए, वो किसानों को दे दी जानी चाहिए। और तीसरा था जो बैंक्स हैं, बैंक्स टू बी नेशनलाइज्ड, नेशनलाइज्ड, और बैंक्स का क्या कर देना चाहिए, नेशनलाइजेशन कर देना चाहिए, यानी कि उनको नेशनल बना देना, गवर्नमेंट के हाथ में दे देना चाहिए, नेशनल बना देना चाहिए। सो दीज 3 डिमांड्स और डिक्लेरेशन आर नोन एज अप्रैल थीसिस, और इनके फेवर में बहुत सारे लोग सोशलिस्ट और लिबरल्स और इसके साथ साथ में जो सोवियत थे वो सारे इनके फेवर में आ गए, और इस तरह से बोल्शेविक्स जो है वो पावरफुल होता गया धीरे धीरे। प्रोविजनल गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि धीरे धीरे क्या है, बोल्शेविक्स जो है पावरफुल होता जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने बोल्शेविक्स को कंट्रोल करने की कोशिश की, उनके ऊपर जो है सप्रेसिव जो मेजर्स हैं वो अडॉप्ट करने स्टार्ट कर दिए, स्टर्न मेजर्स जो है वो स्टार्ट कर दिए, और उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। बहुत सारे बोल्शेविक्स को अरेस्ट किया और कई सारे बोल्शेविक लीडर्स को एग्जाइल भी कर दिया था, तो ये भी उस दौरान आप इसमें बता सकते हैं। और साथ में जो बोल्शेविक्स का जो इम्पैक्ट था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि ऑल रशियन कांग्रेस में उस टाइम 500 सोवियत्स ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इस ग्रुप में भेजे थे, राइट। तो इस तरह से हमें क्या इसमें देखने को मिला, फरवरी के बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट को अपोज किया गया। प्रोविजनल गवर्नमेंट को अपोज क्यों किया गया, क्योंकि सोशलिस्ट और लिबरल्स जो थे वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो रशिया में आनी चाहिए, इसलिए दे अपोज द प्रोविजनल गवर्नमेंट बिकॉज दे वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश द सोशलिस्ट गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट। एंड आफ्टर दैट अप्रैल थीसिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस आस्पेक्ट, कि अप्रैल थीसिस में 3 चीजें थी आपको याद रखनी है, वॉर टू बी एंडेड, लैंड टू बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स, एंड बैंक शुड बी नेशनलाइज्ड। ये किसने दी थी अप्रैल थीसिस? व्लादिमीर लेनिन। लेनिन कौन था? बोल्शेविक्स जो ग्रुप था उसका लीडर था। इसके बाद में बोल्शेविक्स के अगेंस्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या किया, सिवरल जो मेजर्स थे वो अडॉप्ट किए, स्टर्न मेजर्स अडॉप्ट किए, उनको बहुत सारे बोल्शेविक्स को जो है अरेस्ट कर लिया गया और उनको एग्जाइल कर दिया गया। सो दिस वॉज द इंसिडेंट्स, मीन्स दिस वॉज द ग्रुप ऑफ इंसिडेंट्स आफ्टर फरवरी, जो भी इंसिडेंट हुई थी वो आपको ये सारी याद रखनी है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, This is the next topic, the revolution of October 1917. इस वीडियो में अभी तक हमने फरवरी रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, उसके बाद में what happened after February in 1917 वो पढ़ा है, अब हम डिस्कस करते हैं October 1917. As we already have discussed that after February revolution, the monarchical system was abdicated, means completely removed from रसिया, और अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद में प्रोविजनल गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया गया था। जैसे फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद में जार निकोलस ने एबडिकेट किया, उसके बाद में प्रोविजनल गवर्नमेंट आ गई। प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है अभी क्या हुआ कि सोशलिस्ट और जो सोवियत्स थे, मतलब उनका लीडर बोल्शेविक्स का लीडर जो है वो कौन था, लेनिन था। लेनिन को ये डर था कि कहीं प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो डिक्टेटर ना हो जाए, क्लियर, बिकॉज उसमें आर्मी ऑफिशियल्स भी थे, लैंड ओनर्स भी थे, बड़े बड़े जमींदार थे,
इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे और काफी ज्यादा रिच पीपल थे उसके अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, उनका पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस था या ये कह सकते हैं कि पूरा प्रभाव था। तो लेनिन को ये डर था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट है, इट इज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, तो ये हो सकता है कि डिक्टेटर हो जाए। इसलिए बोल्शेविक्स ने सोवियत्स और सोशलिस्ट और इन सब के साथ मिलके प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपराइजिंग का प्लान बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, किस किस के बीच में, सोवियत्स के बीच में और प्रोविजनल गवर्नमेंट के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा तो सोवियत्स ने प्लानिंग बनानी शुरू कर दी, और ये प्लानिंग सितंबर 1917 में लेनिन ने कर दी। दे डिस्कस्ड अबाउट द अपराइजिंग टू बी स्टार्टेड अगेंस्ट द प्रोविजनल गवर्नमेंट, और इसके बाद में ऑन 16th अक्टूबर 1917, अब इसमें क्या हुआ था, जब ये डिस्कशन चल रहा था सितंबर 1917 में स्पेशली इन पेट्रोग्राड एंड मॉस्को, तो उस टाइम क्या था कि बहुत सारे आर्मी ऑफिशियल्स थे जो सोवियत्स के फेवर में थे, और ऐसे लोग भी थे जो मेंबर्स थे सोवियत्स के, तो उन सबको एक साथ इकट्ठा किया गया, दे गोट मीन्स टुगेदर अगेंस्ट द प्रोविजनल गवर्नमेंट, और 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत को और बोल्शेविक पार्टी को परसवेड कर लिया, मतलब उनको इंसिस्ट कर लिया, उनको मना लिया किसके लिए, एक अपराइजिंग हमने करनी चाहिए प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, एक रिवोल्यूशन करनी चाहिए ताकि उसको हटाया जा सके। इसके लिए लेनिन ने ही परसवेडेड द पेट्रोग्राड सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी, और इसके बाद में एक इसी मीटिंग के अंदर एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी जो है बनाई गई, और इसके लीडर जो है कौन बनाए गए, लियोन ट्रॉट्स्की वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ दिस मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी। ये अपराइजिंग को लीड करने के लिए बनाई गई, और इसमें बहुत सारे सोल्जर्स थे और काफी सारे सोवियत्स और लिबरल्स और जो सोशलिस्ट पीपल थे उनका एक ग्रुप था, और इसमें लियोन ट्रॉट्स्की को लीडर बनाया गया। और फाइनली 24 अक्टूबर 1917 को अपराइजिंग शुरू हो गई, और प्राइम मिनिस्टर जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे प्रोविजनल गवर्नमेंट के, उनका नाम था केरेंस्की। उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ी प्रोपोर्शन में सैनिक भेज दिए इनको कंट्रोल करने के लिए, और सोवियत्स या बोल्शेविक्स के जो न्यूज़पेपर थे उनको सील कर दिया गया, उनके ऑफिसेज को भी सीज कर दिया गया, और इसके साथ साथ में बहुत सारे बोल्शेविक्स को अरेस्ट कर लिया गया अक्टूबर के अंदर। लेकिन क्या हुआ, इसके जवाब में ओरोरा शिप जो है, यानी कि जो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी की तरफ से वो भेजी गई थी, और वो विंटर पैलेस को कंट्रोल में करने के लिए या सीज करने के लिए भेजी गई थी, तो इस तरह से एक बहुत बड़ा टकराव वहाँ पे हुआ, और साथ साथ में पूरे शहर के अंदर स्पेशली इन पेट्रोग्राड वहाँ पे काफ़ी सारी अपराइजिंग का जो है इम्पैक्ट देखने को मिला। प्रोविजनल गवर्नमेंट में और मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी में टकराव था, और दोनों तरफ से ही जो है काफ़ी बड़ी प्रोपोर्शन में वॉयलेंस हुआ। और लेकिन फाइनली क्या हुआ, दिसंबर तक आते आते हालांकि अक्टूबर और नवंबर में ही विंटर पैलेस को कंट्रोल में कर लिया था बोल्शेविक्स ने, लेकिन दिसंबर 1917 तक आते आते बोल्शेविक्स ने मॉस्को एंड पेट्रोग्राड ये दोनों ही एरिया पे जो है अपना कब्जा कर लिया, पेट्रोग्राड और मॉस्को दोनों ही एरिया पे अपना कब्जा कर लिया, और फाइनली प्रोविजनल गवर्नमेंट को जो है हटा दिया गया, और यहाँ पे सोवियत्स या सोशलिस्ट का यहाँ पे जो है एक तरह से कंट्रोल हो गया बोल्शेविक्स का और सोवियत्स का दिसंबर 1917 तक, स्पेशली इन दिस एरिया मॉस्को एंड पेट्रोग्राड। तो ये था द रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। इसके बाद क्या हुआ ये सब जानने के लिए अगला वीडियो देखना ना भूलें, यहां तक के चैप्टर को रिवाइज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो यू कैन आस्क एंड आई विल गिव द आंसर। थैंक यू, हैव अ नाइस।